ये कहते हैं मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ। मंदिर बनवाने से पहले तय करो उस मंदिर में पुजारी एक पिछड़ी जात और दलित जाति का भी बेटा बेटी, मंदिर में पुजारी तय करो तब मंदिर बनाने निकलेंगे। तुम कौन तो कहीं मान लो, धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। ओम प्रकाश राजभर बताओ हम गलत कर नहीं कहा, बोला हम गलत कर सही। मंदिर बनी तब जब हिस्सा मिली 9 लाख मंदिर, पूरे देश में सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, नौजवानों पढ़े लिखे लोगों सुन लो, 9 लाख मंदिर और 9 लाख मंदिर का पुजारी केवा पंडित जी, 9 लाख मंदिर का पुजारी पंडित जी, एक एक मंदिर में रुपया 10 लाख रोज आता। बोला पुजारी बने निकालेंगे, हमारे बनारस में बड़ा बड़ा गुड़िया मिला, जटा मिला, चंदन रोरी मिला, खाली पहरा था चिमटा थमा था चिमटा बजावे लगे जैसे कोई बजावत न कि राम राम जपना पराया मान। तो बोला ये कभी फैसला वापस आए पढ़े लिखे नौजवानों, बिंद के वक्त मल्लापाल प्रजापति नाईगोर चौहान राजभर, सोचो 11 प्रदेश में जो मेरी लड़ाई तेरे बेटे को सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार बनाने की, 11 प्रदेशों में आरक्षण को 3 कैटेगरी में बांट के दिया जा रहा है। 3 कैटेगरी, जो मजबूत जातियां एक तरफ, उससे मजबूत एक तरफ, उससे जो सबसे कमजोर है एक तरफ, 7, 9, 11 7% मजबूत को, 9% उससे कम मजबूत को, जो कमजोर लोग हैं 11%, इसमें चौहान है, प्रजापति है, पाल है, राजभर है, बिंद है, केवट है, मल्ला है। मेरी मंशा थी कि जिस दिन विभाजन होगा पुलिस की भर्ती होगी 100, तो 11 भर्ती होगा, ये काफी पिछड़ा, जिसमें चौहान बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति होगा। लेकिन योगी जी ने क्या कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा। हमने कहा योगी सुन लो, धरती पर जब तक जिंदा रहूंगा तेरे नाक में पानी डालते रहते तुझे हम बर्बाद कर देंगे, देख लेना। नहीं तो करो, और तूने लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अपने असल माँ बाप के पैदा हो लागू करके तब वोट मांगने आना पिछड़ों के बीच में। अगर ना मर्द हो, घोट हो, दोगला की औलाद हो, तब इनके बीच में वोट मांगने आना। मुझे अपने जीवन का परवाह नहीं, धमकी दिया अमित शाह ने कि बर्बाद कर दूंगा, हमके गोली मरवा दो परवाह नहीं, दुनिया झुक सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों घटकों के सवाल पे एक इंच पीछे नहीं।